जमीन के जंजाल की। जी हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। आपको बता दें कि पूरा जो मामला है वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर MUDA में भ्रष्टाचार की शिकायतों का है। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मैसूर के आवासीय इलाके में गैर कानूनी ढंग से 14 प्लॉट्स हासिल कर लिए। इस पूरे मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजे कारण बताओ नोटिस में साफ पूछा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत क्यों ना दी जाए। अगर मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाती है तो क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे। अब सवाल ये कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच कौन सी एजेंसी करेगी, राज्य सरकार की एजेंसी या फिर CBI। उधर साउथ इंडिया में BJP को ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया। BJP सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठा रही है। MUDA घोटाले से साफ है कि कांग्रेस मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। BJP लगातार इस विषय को लेकर के हमलावर भी है। We all know about the MUDA scam. People estimate it is around 4,000 crores. The land of the members of the SC/ST community has been taken and allotted to the wife of the chief minister. And these are all premium plots. So through this press conference, the double standards of the Congress stand exposed, and these are tough questions, and we know that Rahul Gandhi and Kharge ji will not muster the courage. राइए बाप को ये बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस पर दक्षिण भारत में मचा हुआ है बवाल। आरोप है कि 1998 में सिद्धारमैया डेप्यूटी CM थे और सरकार JH पटेल की थी। 2004 में डी नोटिफाइड जमीन के एक टुकड़े को सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई ने खरीदा। ये जमीन 3 एकड़ से कुछ ज्यादा थी। 2004-05 में कर्नाटक में कांग्रेस JDS की साझा सरकार थी और उस वक्त सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री ही थे। इसी दौरान जमीन के विवादास्पद टुकड़े को दोबारा से डी नोटिफाई कर कृषि की भूमि से अलग किया गया। लेकिन जब जमीन का मालिकाना हक लेने सिद्धारमैया का परिवार गया तो पता चला कि वहां लेआउट विकसित हो चुका था। ऐसे में MUDA से हक की लड़ाई शुरू हुई। वक्त बीतता गया और MUDA घोटाले का जिन टाइम टाइम पर बाहर भी आता रहा। इसके बाद कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी। वक्त था साल 2013 का। 2013 से 18 के बीच सिद्धारमैया थे मुख्यमंत्री। जमीन की अर्जी उनके परिवार की तरफ से उन तक पहुंचाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस अर्जी को ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये कहते हुए कि वो मुख्यमंत्री हैं और लाभार्थी उनका परिवार है। ऐसे में वो इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास फाइल फिर से पहुंच गई। तब सिद्धारमैया विपक्ष के नेता थे। BJP की बसवराज बोम्मई सरकार ने MUDA के 50-50 स्कीम के तहत 14 प्लॉट्स मैसूर के विजयनगर इलाके में देने का फैसला कर लिया। BJP ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। उधर इसी विषय पर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। सिद्धारमैया ने कहा कि अगर उनकी नियत में खोट होता तो वो पत्नी की फाइल पर कार्रवाई करते। सिद्धारमैया ने BJP से सवाल भी पूछा और कहा कि नियमों की अनदेखी हुई थी तो BJP के बसवराज बोम्मई सरकार ने उनकी पत्नी को प्लॉट्स आखिरकार दिए क्यों। कर्नाटक CM ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में वो कानून और राजनीतिक यानी कि दोनों तरह से लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है।